मथुरा धर्म नगरी है और इस समय मथुरा में योगी राज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसे लेकर जगह जगह भव्य सजावट और कृष्ण जन्मभूमि के सभी संपर्क मार्गों को सजाया गया है। लेकिन वहीं खाद्य पदार्थ के विक्रेता अपने ईमान को ताक पर रखकर कान्हा के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, जिसकी शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम ने कृष्ण जन्मभूमि स्थित नन्नू मल लालचंद मिठाई की दुकान पर छापामार कार्रवाई कर सैकड़ों कुंटल फंगस लगे पेड़ों को फिकवा कर सैंपलिंग की है। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। इस दौरान दुकान पर खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई की सूचना पाकर दुकान मालिक विजय भी मौके पर पहुंच गया। विजय ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये पेड़ा बिकने के लिए नहीं है, वापस रिसाइकलिंग के लिए जा रहा था कि खाद्य विभाग की टीम ने छापा मार दिया। अब जरा आप भी दुकानदार से पूछिए कि महोदय, रिसाइकलिंग करके अब कौन सी नई मिठाई बनाते, वो भी फंगस लगी हुई। वहीं दुकान मालिक ने पूछताछ में बताया कि उसने अभी एक काम शुरू किया है और उसके लिए उसके पास अभी लाइसेंस भी नहीं है। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकान स्वामी विजय कुमार के विरुद्ध संबंधित धाराओं में कार्रवाई की बात कही है। ऐसा सड़ा हुआ नहीं, सड़ा हुआ काम क्या बताओ, मैंने इनसे बोल लगा था इनको निकाल लेना, जो दुकान पे बैठे हुए मिले हैं उनसे बात करी है आप। नहीं नहीं, ये मालिक जो दुकान पे बैठा हुआ मिलता हुआ मालिक, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके लाइसेंस नहीं है। देखिए क्या है, बाबू ने बताया है ये बरसाती मौसम में वो आ जाता है, बेचने के लिए थोड़ी रख रहा है, ग्राहक नहीं लेगा इसको, ग्राहक थोड़ी ले लेगा, ग्राहक को बेच दिया जाएगा। ये पड़ा, ये देखो, देखो पक्की बड़ी पड़ी है, अरे लाइसेंस भी नहीं है दुकान का, लाइसेंस भी नहीं है, लाइसेंस क्यों बनाया, अरे लाइसेंस क्यों बनाया आपने, लाइसेंस है दुकान का, कहाँ है दिखाई, अब जो 2 महीने तो वो दुकान खोली हुई है अभी, तो लाइसेंस लाइसेंस पहले कहाँ है, लाइसेंस तो दिखा दो ना, मुझे गर्मी लग रही है, बाहर निकल रहा हूँ, गर्मी लग रही है आपको, नहीं है नौकर, मालिक जो बैठूंगे इस समय दुकान पे, जो बैठे हैं वो मालिक है, नौकर है ना, जो दुकान पे बैठे वो मालिक है, तनख्वाह देके नौकरी तो करते हैं आपके, नहीं नहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है उनकी, नाम बता दो, आपका क्या नाम है बता दो, क्या क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, आपका नाम क्या है, विजय, विजय आपकी दुकान है, नहीं विजय सड़ा हुआ पेड़ा बेच रहे हैं, बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं, क्या कहेंगे, आपकी दुकान पे छापा क्यों मारा गया, आप नहीं बेच रहे हो, आपकी दुकान पे सड़ा हुआ पेड़ा मिला है, महीनों से रखा हुआ पेड़ा है और लाइसेंस भी नहीं है, हाजी भैया जी लाइसेंस भी नहीं है आपके पास, और बताओ लाइसेंस क्यों नहीं भाई, लाइसेंस बनेगा कब बनेगा, महीनों में बन जाएगा, महीने में तो बन जाएगा, दुकान के दिन चला रहे हो, दुकान के दिन चला रहे हो, मेरे को कायदे कानून नाम की चीज नहीं है आपके यहाँ, सरकार आपकी चल रही है, नहीं सरकार का एक हुआ तो फिर लाइसेंस बनवा नहीं तो दुकान चला रहे 2 महीने से, बन जाएगा लाइसेंस, आप कैसा नाम बना रहे हो, आप मैं भी बनवा लेंगे हफ्ते भर में, अब तक क्यों नहीं बनवाया, इसे कहाँ फेंको, 3 साल से आपकी दुकान चल रही है, 2 महीने की हो रहे हैं, 3 साल दुकान चल रही है इनकी, 3 साल से, और ज़्यादा ये पेड़ा ठीक नहीं है, और इनके पहले एक आदमी यहाँ और था, वो उससे उलझ रहा था, हम लोग आए तुरंत और चेकिंग के दौरान तुरंत पहुँचे, बताए तो कहा ये गहरा इसको हटवा दो, और इसे इन्होंने हटाने से मना किया, मैं 2 घंटे बाद फिर आगे देखा, वही विक्रय करते हुए मिला, और इनके समझाने बुझाने के बावजूद भी, इनके मना करने के बावजूद भी इन्होंने उस पेड़े को बेचना बंद नहीं किया, वो पेड़ा इनके यहाँ विक्रय के लिए एज इट इज रखा हुआ पाया गया, और इनके बताने पर ये गड़बड़ है, इन्होंने कहा नहीं ये गड़बड़ नहीं है, ये ऐसे इसमें नमी आ गई है, फंगस नहीं है ये, और इसको इनके पास मौके पर लाइसेंस भी नहीं है, ये मौके पर फोन के द्वारा नौकर से बुलाए गए, इन्होंने हस्ताक्षर करने से भी मना किया, इनके नौकर प्रदीप ने मौके पर हस्ताक्षर किया, आपकी टीम से अवसर था कि ये लोगों ने क्या कहेंगे, सहयोग आत्मा रवैया नहीं रहा है इनका, और ये बराबर अपने पेड़े को सही बता रहे हैं, इसको मौके पर नष्ट कराया जा रहा है,
एक डिब्बे भरवा लाइसेंस नहीं बनवाया उन्होंने, क्यों नहीं बनवाया, क्या वजह माल नहीं, कहीं कहीं खादवा की मिली बात के चलते नहीं बनवाया। नहीं 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 नहीं, इन्होंने इनको बराबर इनको कहा गया, इन्होंने लाइसेंस बिल्कुल नहीं बनवाया और इनका कहना है लाइसेंस मेरा बना हुआ है, मौके पर दिखाए नहीं। अब क्या कार्रवाई की जा रही है, अब इनके विरुद्ध नमूने लेकर जांच में भेजा जा रहा है, इनके विरुद्ध एफएसएससी के तहत सारी कार्रवाई की जाएगी। टीम से जो अफसर कर रहा है उसके लिए क्या करें, किया जाएगा टीम के लिए के साथ अफसर तक किया उन्होंने उसके लिए क्या करेंगे? नहीं नहीं, इसके लिए इनके ऊपर भी धाराओं के खिलाफ धाराओं में इनका क्या दान किया जाएगा, एफएसएससी के तहत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जो माल इनके यहां पाया गया है उसको पूरा नष्ट किया जाएगा और प्रथम दृष्टया माल खराब दिख रहा है और उन्होंने वर्कर ने बताया कि मक्खी लगी हुई है, फंगस लगा हुआ, कहे कि हम इसको उसमें भेजेंगे, रिसाइकिल करके द्वारा भेजने के प्रयास में थे और इस बीच ही उसमें छापा पड़ गया पूरे करने। दूसरा ये वाला पेड़ा देख रहे हैं, हाँ, ये पेड़ा भी पाया गया है इसी तरह से रिसाइकिल करके और द्वारा देखिए इतना टाइट है, इतना टाइट है कि ये हमारा टूटने के ये देखिए उनको दुकान अग्रिम आदेशों से इनकी बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी और जब तक मेला है और इनके विरुद्ध कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जाएगी, अग्रिम आदेशों से इनके बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी।